अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है बड़ा सेकंड ईयर के पार्ट वन का तमाम एक्सपेरिमेंट्स का पीडीएफ। तो चलते हैं, एक्सपेरिमेंट नंबर वन आप देख लीजिए। पहले एक्सपेरिमेंट अपरेटस प्रोसीजर ये दो लिखने हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर वन की हेडिंग अपरेटस प्रोसीजर के बाद नेक्स्ट पेज पे ब्लैंक वाले पेज पे डायग्राम होती है। ये डायग्राम वाला पेज आ गया, उसके नीचे ऑब्जर्वेशन लिखते हैं, फिर नेक्स्ट लाइन वाला पेज है, बाकी इसके पॉइंट प्रोसीजर के रह गए हैं वो लिखने हैं। नेक्स्ट होता है टेबल, ये आ गया टेबल, इसमें कैलकुलेशन रिजल्ट ये लिख लिया। उसके बाद हम जाते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर टू पे। एक्सपेरिमेंट नंबर टू में हेडिंग वैसे ही, फिर ऑपरेटर्स, फिर प्रोसीजर, नेक्स्ट है डायग्राम, ऑब्जर्वेशन, ज़ीरो करेक्शन। प्रोसीजर के नेक्स्ट पॉइंट इक्वेशंस। एक्सपेरिमेंट नंबर टू के ये देखें, टेबल हमने पहले बना लिया, कैलकुलेशन लिख ली और रिजल्ट एंड में लिख लिया। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट नंबर थ्री, ऑपरेटर्स, प्रोसीजर, डायग्राम, प्रोसीजर के बाकी पॉइंट्स और रिजल्ट। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन लिख लेंगे, ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशंस। एक्सपेरिमेंट नंबर फोर, 11.4, फर्स्ट ईयर के एक्सपेरिमेंट आपको दिखा रहा हूँ, 11.4 इसलिए लिखा हुआ है। अगर सेकंड पार्ट होता तो 12.12 कुछ भी, ठीक है जी। ये 11.4 ऑपरेटर्स, प्रोसीजर, एक्सपेरिमेंट नंबर फोर गए देखें, डायग्राम आ गई। नेक्स्ट पे रिजल्ट और प्रोसीजर के बाकी पॉइंट्स। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन या कैलकुलेशन उसी की, रिजल्ट इसमें भी लिख लिया। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंट नंबर फाइव, 11.5, इसके थ्री केसेस हैं। तो ये पहला केस है, टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड। पहले इसका ऑपरेटर्स, फिर प्रोसीजर लिख लिया और उसी की डायग्राम बनानी है, फिर प्रोसीजर के बाकी पॉइंट और रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट आपके ऑब्जर्वेशन ऐसी की और कैलकुलेशंस हैं, और ये केस टू, केस टू का प्रोसीजर रिजल्ट, और केस थ्री है ये, इसके जो बाकी प्रोसीजर है वो ब्लैंक पेज आने के बाद जो लाइनों वाला आएगा उस पर हो गई। तो ये ब्लैंक पेज पहले आ गया, इस पर ऑब्जर्वेशन कैलकुलेशन ए है, ऑब्जर्वेशन जो है ये टू की है और ये थ्री की है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, बाकी प्रोसीजर जो आपको बता रहा था केस थ्री का, ये प्रोसीजर रिजल्ट इसका आ गया। नेक्स्ट चलते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर सिक्स पे। डायग्राम पहले आप देख लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास एक्सपेरिमेंट नंबर सिक्स का ये हमने वो जो बता डायग्राम बनानी है, पहले ब्लैंक पे, फिर लाइनों वाले पेज पर हमने पहले इसकी हेडिंग लिखनी है, फिर ऑपरेटर्स, फिर प्रोसीजर, नेक्स्ट फिर ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन आ गई। ठीक है बच्चों, ये था हमारा आज का वीडियो, उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। तो इस मेहनत को मेरे जैसे मैंने अपनी हैंड से बने हुए का पीडीएफ बनाया, और इस मेहनत को आप एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर कोई चीज़ भी किसी का प्रॉब्लम हो और कुछ किसी और चीज़ की वीडियो चाहिए हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और बाकी पे इंशाल्लाह मैं प्ले लिस्ट में भी डाल दूँगा नेक्स्ट पार्ट टू के एक्सपेरिमेंट्स, और एक्सपेरिमेंट लाइन वाइज भी एक्सपेरिमेंट टू सारे उसकी वीडियो अलग अलग बना के वो भी कर दूंगा। और फुल वीडियो के लिए आप मेरे चैनल विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।